हेलो स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन है इन ए रूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आ शोन इन द फिगर रीता एंड मीता वॉक इन टू द रूम एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स रीता आस्क मीता क्या पूछा उसने वॉट इज द पोजिशन ऑफ ए एंड डी ठीक है सेकेंड है वॉट इज द मिडल पोजिशन ऑफ बी एंड सी एंड वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी और वॉट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी ठीक है देखो इसको अगर आप अच्छे से देखोगे फिगर को तो आपको खुद ही समझ जाएगा आप खुद ही आंसर निकाल पाओगे देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला लिख रही हूँ फर्स्ट वाला क्या है वॉट इज द पोजिशन ऑफ ए वॉट इज द पोजिशन ऑफ ए एंड डी अब ए देखो ए कहाँ पर है ए ये वाला पॉइंट है दिखाई दे रहा है ये ए वाला ये हमारी एक्स एक्सिस है जो नीचे वाली है एक्सेसिक एक्स और ये वाली y एक्स ठीक है तो x पे आप देखो यहां से ऊपर जाओ ये थ्री जो है इसके ऊपर गए तो x तो हमारा पहले आता है तो ये क्या हो गया थ्री और y कितना हो गया फोर तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया ए की पोजीशन क्या हो गई थ्री एंड फोर ठीक है अब दूसरा उसने पूछा है डी की पोजीशन ठीक है डी की पोजीशन तो डी देखो इसमें फिगर में डी कहाँ पे दे रखा है आपका डी ये है ठीक है तो पहला वाला तो हमारा एक्स तो ये तो सिक्स पे है और वाई क्या हो गया ये वाला वन तो हमारी डी की पोजीशन क्या हो गई डी की पोजीशन हो गई सिक्स एंड वन ठीक है सिक्स और वन सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा सेकेंड वेट में वॉट इज द मिडल पोजिशन ऑफ बी एंड सी ठीक है सेकेंड वो हमसे पूछ रहा है मिडिल पोजिशन ऑफ बी एंड सी यही तो पूछ रहा है हमसे ठीक है देखो कैसे निकालेंगे हम पहले हम बी के कोऑर्डिनेट पता करते हैं तो बी देखो बी कहाँ पर है बी एरा ठीक है ना बी यहां पर है तो ये सिक्स में जा रहा है तो एक्स तो हो गया इसका सिक्स और वाई क्या हो गया सेवन ठीक है यहाँ से हम गए तो ये सिक्स और यहाँ से हम गए तो ये सेवन तो इसका क्या हो गया सिक्स सेवन तो हम B के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं पहले सिक्स और सेवन अब हमें चाहिए C के कोऑर्डिनेट C कहाँ पर है ये रहा ठीक है ये देखो x एक्सिस ये क्या नाइन ये हो गया नाइन और ये फोर ठीक है तो C का हो गया नाइन एंड फोर आई थिंक ये तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा है ना अब हमें क्या निकालना है मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी तो हम लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी वो क्या होगा देखो ये पहला क्या है सिक्स और ये नाइन तो पहले हम इन दोनों को ऐसे सिक्स प्लस नाइन मिड पॉइंट निकाल डिवाइडेड बाई टू और दूसरा सेवन और फोर तो सेवन प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू क्या हो जाएगा नाइन और सिक्स फिफ्टीन फिफ्टीन अपॉन टू और ये इलेवन बाई टू ये हम इन दोनों के क्या निकल गए मिड पॉइंट निकल गए ठीक है अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है थर्ड में वो पूछ रहा है वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ए ए एंड बी की डिस्टेंस क्या है मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे ए और बी ठीक है हम निकालेंगे थर्ड वाले में डिस्टेंस ऑफ ए बी ठीक क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन कर लो एक्स वन माइनस एक्स टू कर लो कोई फर्क नहीं पड़ा रहा तो यहाँ पर देखो हम ए बी की निकाल रहे हैं ना ए बी तो ए के तो देखो यहाँ पर है थ्री और फोर और बी है सिक्स और सेवन ठीक है तो मैं करती हूँ थ्री माइनस सिक्स पहला वाला मैं कर रही हूँ थ्री माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला मैं करूँगी फोर माइनस सेवन ठीक है फोर माइनस सेवन का स्क्वायर स्क्वायर करना है तो ए, ए, मतलब किसी को भी पहले एक्स टू माइनस एक्स वन करो या एक्स वन माइनस एक्स टू करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है सिक्स से थ्री माइनस करेंगे तो माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस सेवन से फोर माइनस करेंगे तो माइनस थ्री का स्क्वायर दोनों माइनस थ्री आ रहे हैं तो क्या हो गया थ्री थ्री या नाइन और थ्री थ्री या नाइन स्क्वायर हो रहा है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो गया रूट एटीन और इसको हम बाहर निकालें तो थ्री रूट टू ठीक है ये आ गई हमारी डिस्टेंस ऑफ ए बी अब नेक्स्ट में उसमें एक और चीज उसने हमसे पूछी और करके वॉट इज द व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी सी डी देखो कहाँ पर है ये है सी डी सी और डी लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा ठीक है तो मैं इसको भी लिख देती हूं इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी क्या होगा वाई माइनस फोर इक्वल्स टू वन माइनस फोर अपॉन सिक्स माइनस नाइन देखो सब यहीं से लिया है कहीं इधर उधर से नहीं कर रहा है ठीक है वन माइनस फोर वन माइनस फोर कैसे हमें किसकी लाइन सी डी की निकालनी ना देखो डी के कोऑर्डिनेट क्या है सिक्स और वन और सी के कोऑर्डिनेट क्या है नाइन और फोर ठीक है तो मैंने लिया वन माइनस फोर तो देखो ये रहा ये ये और नन माइनस फोर एक्स टू माइनस सॉरी वाई टू माइनस वाई वन और ये क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है ये दोनों ले लिए अब यहाँ पे क्या होगा हमारा यहाँ पर हमारा होगा एक्स माइनस नाइन है ना एक्स माइनस नाइन अब क्या करेंगे देखो इसको पहले सॉल्व करते हैं तो ये हो गया वाई माइनस फोर इक्वल्स टू फोर से वन को माइनस करेंगे तो माइनस थ्री और नाइन से सिक्स को माइनस करेंगे तो माइनस थ्री माइनस माइनस कैंसिल आउट थ्री से थ्री भी कैंसिल आउट यहाँ पे क्या बचा एक्स माइनस नाइन है ना नेक्स्ट काम क्या करेंगे देखो हमारे पास बचा था वाई माइनस फोर इक्वल्स टू क्योंकि तो वन हो गया एक्स माइनस नाइन अब क्या करें वो इसको ले जाते हैं इधर तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस नाइन प्लस फोर तो क्या हो गया एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो देखो क्या करा है मैंने यहाँ पे y माइनस फोर इक्व टू एक्स माइनस नाइन ठीक है तो मैंने क्या करा यहाँ पे इस y को मैं इधर ले गई अगर इस y को मैं इधर ले जाती हूँ इस y को मैं इधर ले जाती हूँ तो क्या होगा देखो ऐसे हो गया ना सीधा सीधा y माइनस फोर माइनस एक्स ठीक है और इक्वल टू माइनस नाइन ऐसे ही हो रहा है ना अब ये तो इसके साथ आ गया माइनस में इसे हमें माइनस में नहीं लेना तो मैंने इसको क्या कर दिया रिवर्स कर दिया तो क्या हो गया एक्स माइनस वाई इजिकल टू माइनस नाइन प्लस फोर और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ प्लीज प्ली लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फॉलो ज़रूर करें